मुंबई का किंग कौन? लाई भारी, लाई भारी। लाई भारी। सो गाइस अपन फाइनली आ चुके हैं दादा के पास में। सो दादा कैसा रहा नींद? मस्त। पहले ये दिखाना। ये बहुत जरूरी है दिखाना। ये ऐसा होता है एक यूट्यूबर एक ब्लॉगर का लाइफ। इतना पूरा आ जाता उसके अंदर वो चिट्टे से बैग में। ये चल रहा है दादा का वीडियो एडिटिंग चल रहा है। सो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं दादा के रूम पे। सो अच्छे से नींद आया रात में? एक नंबर नींद आ गया मस्त। अभी घूमने जाना है बस। सॉरी दादा मैं सो गया था। मैं एक्चुअली मैं सुबह में 6 बजे आने वाला था बट कुछ मैं रात में पूरा शूट पे था 4 दिन से सोया नहीं। मैं स्टूडियो पे कब जाके सोया मेरे खुद को नहीं मालूम। पहले एक बात, काम बहुत जरूरी है। काम करने के बाद सोना भी बहुत जरूरी है। तो कोई नहीं अभी हम फटाफट से निकलते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा हैदराबाद में एक्सप्लोर करने वाले। बहुत लेट हो चुका है। सुबह में 6 बजे निकलने का प्लान था बट अभी 2 बज रहे हैं आई थिंक से। सो अभी जल्दी फटाफट से निकलते हैं एंड हैदराबाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजय। मैं हूं बढ़िया, आप सब भी बढ़िया होंगे। सो गाइस अभी तक आप जो देखे वीडियो में आ गया था दादा के पास में। सो अभी हम लोग थोड़ा सा हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सो द एक्चुअली बहुत लेट हो गया था मेरे को। मैं सुबह में जल्दी आने वाला था बट थोड़ा शूट में टायर्ड हो गया था तो सो गया था। सो अभी आया है हैदराबाद, अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं दादा। सो दादा अभी ये राइड से पहले गए थे शिरडी, तो दादा शिरडी से कुछ लेके आए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मैं बस प्रसाद लाने के लिए बोला था दादा को। तो दादा मेरे लिए क्या लाए? सबसे पहला तो ये साईं बाबा प्रसाद, ये प्रसाद मेरे लिए लाए एंड एक और एक चीज खास करके तेरे लिए मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि तू और खास करके मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ क्योंकि तेरा शूट बीट का जो भी होता है तुम्हारी के अंदर सब लिख के रखता है। तो इसलिए साईं बाबा का आशीर्वाद तेरे ऊपर रहेगा। ये डायरी जो है वो मैं लेकर आया हूँ, इसके ऊपर तेरा जो भी काम करेगा डेट्स वगैरह सब लिखा करना और अच्छे से काम करना। थैंक यू सो मच दादा। सो अभी जल्दी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, निकल के थोड़ा हैदराबाद एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। दादा कल रात में बिरयानी खाए थे, मैं होटल में बोल दिया था तो बिरयानी ला के दिए थे। ग्रैंड होटल की बिरयानी खाए, बहुत ही मस्त है बोले। सो अभी दादा बोले कि अब उन्होंने नॉन वेज खा सकते, अपन नहीं खा सकते। सो उन्होंने बोले कि वेज खाएंगे। सो अपना एक भाग्य लक्ष्मी ढाबा है यहाँ पे, वहाँ पे चल रहे अभी। सो अभी दादा के ये सब्सक्राइबर्स है, ये आए थे बात कर रहे हैं। मेरे को भी 3-4 लोगों ने DM किया कि दादा से मिलना है मिलना है, तो मैं बोला ठीक है मिला लेंगे भाई, सबको बोल के रखे टाइमिंग मिल लेंगे। तो गाइस हम लोग अभी चार मीनार के मंदिर आए थे, माता जी के दर्शन वगैरह कर लिए और अभी मैं और दादा यहाँ पे एक 2 मिनट के लिए बैठे, फिर यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर लिए हम लोग ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक फेमस होटल है भीमराव के जो दिख रहा है वहाँ की चाय बहुत फेमस। यहाँ पे जो आता है चार मीनार के पास मंदिर के दर्शन और वहाँ की चाय पक्का। चलो फिर हम भी चाय पिएंगे। अभी चाय पिएंगे दादा पिए सुबह से चाय? सुबह से चाय नहीं पिया अभी, 2 गिलास पिएंगे जरूर जरूर बॉस। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजय। मैं हूं बढ़िया, आप सब बढ़िया होंगे। सो ये डे 2 है और मैं हूं प्रदीप दादा, मुंबई का किंग कौन? तो कल आम आदमी केजरीवाल। सो हम लोग कल हुसैन सागर वगैरह गए थे बट ट्रैफिक में क्या हुआ? ट्रैफिक में बात देखा हालत मत निकालो, अभी आज भी मिलेगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था हमको कल रात में, तो हुसैन सागर जाकर थोड़ी देर आ गए, थोड़ी देर ही वहाँ पे थे, 5-10 मिनट स्पेंड किया, फिर हम लोग रूम पे आए, रूम पे आके सो गए थे। अब आज भी जल्दी निकलने का प्लान था बट देर हो गया। सो अभी हम लोग फिर से हुसैन सागर जा रहे हैं बोटिंग के लिए।
सो अभी मिलते हैं आपको रोड पे। अभी निकल चुके पार्टनर, मेरा पार्टनर तो अपने वो कल दे दिया था मेरे फ्रेंड को, उसको ज़रूरत था। ये देखो मुंबई के पार्टनर पे कबूतरों ने प्रसाद छोड़ के गए यहाँ पे। अरे यहाँ पे भी है, इधर पे पूरा प्रसाद दे के गए वो लोग। तो गाइस क्या हुआ, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था बोटिंग के लिए, तो जब मेरे को कैमरा चार्जर 1000 रुपीज़ लिया था वो लोगों ने, दादा के पास 2 GoPro है, मेरा 1 GoPro, 3 GoPro हो गया। तो मैं 2 GoPro वहाँ पे लगा, एक लेके आए थे अगर देखेंगे बाहर कुछ शूट करने के लिए। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि कैमरा चार्जर्स हटा दिया है। तो मैं अभी जो व्लॉग कर रहा हूँ वो दादा के कैमरे से कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दादा, बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा ब्रदर। फिर क्या, लास्ट टाइम आया था अभी कितना था यहाँ पे कैमरा यूज़? 1000 रुपये। तो अभी 1000 लगेगा तो ले लेंगे आपसे बढ़ के थोड़ी ना। तो 1000 रुपये दादा को खाते में लिख लेने का। तो चलो अभी बोटिंग के लिए निकलते फटाफट। एक्साइटेड हो बोटिंग के लिए? ऐसे हल्लू हल्लू चल रहे हो? अरे वो चप्पल थोड़ा वो हो गया दादा का। क्या हो गया वो, मतलब वो सो चलो पहले बोटिंग के लिए निकलते। हाँ सेफ्टी बहुत जरूरी चीज है, आप भी जाओ फिर। चल बैठ गया। तो गाइस हम लोग अभी बोटिंग वगैरह करके आ गए थे। हाईलाइट क्या हुआ मालूम, मैं जैकेट पहना हूँ, दादा निकाल दिए वहाँ पे दे दिए, मैं वैसी जैकेट पहन के बाहर आ रहा हूँ। मतलब इतनी गर्मी काहे को हो रही है, तो देखा जैकेट वैसी पहन के बाहर आ गया था। एंड हम लोगों ने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप दिया, तो उसने थोड़ा लंबा ट्रिप हमको करके लाया। वो बोला अगर राउंड एक एक्स्ट्रा फिर से घुमाऊँगा आगे तलक, तो बोला कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है भाई दे दे। तो हम लोग हुसैन सागर पूरा घूम के बाहर आ गए, अभी वहाँ तक चले गए थे। तो मेरे को भी और दादा को बोला, मैं बोल रहा हूँ जब से कुछ हल्का हल्का लग रहा है, खाली खाली गाड़ी को लग रहा है। और हल्का हल्का ये लग रहा था कि हमने जो हेलमेट सिर पे लेकर आया है ना पहन के, वो हम लेना भूल गए। इसका बैग जो है, बैग के अंदर कैमरा वगैरह बहुत कुछ है, और हम ऐसे पार्किंग में जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। क्या बोल लेगा अभी, जैसे कि उन लोग हमको ला कर देने वाले, अरे भाई आप हेलमेट भूल गए थे, बैग भूल गए थे ये लोग। तो अभी बाहर आ गए, बैग मैं नहीं भूला था, दादा हेलमेट भूल गए थे, और मैं हेलमेट और मेरा बैग दोनों भूल गया था। मतलब तो भूल कर सबसे ज्यादा कौन हो गया? दादा नहीं मेरा क्या है, मैं यहाँ जाके ले लूंगा, आप मुंबई चले जाओ। नहीं, लेकिन सामान तो मेन मेरा ही है ना, हेलमेट कंपलसरी लगेगा अपने को। तो अभी यहाँ से निकलते गोलकुंडा के लिए। अभी देखेंगे, पहले दादा का चप्पल थोड़ा फिसल रहा है, तो नया चप्पल लेंगे, नहीं तो नया लेने कोई जरूरत नहीं है। क्या फिर है वहाँ पे गिरेंगे तो? पर अगर समझ ले मैं गिर भी गया, हाँ तो बाद में उठा के लेके रख देगा ना मुझे नीचे। उठा के रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप फिसल के सीधा नीचे ऑटोमेटिक आ जाओगे। अभी यहाँ से पहले, अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अभी कुछ ठंडा वंडा पीते, क्या गन्ने का जूस पियेंगे, गन्ने का रस पियेंगे अभी, फिर निकलते। हालत थक गई। तो अभी बाहर आ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा था, तो बोले थे ना गन्ने का जूस। तो अभी गन्ने का जूस कहाँ गया, गन्ने का जूस? गन्ने का जूस पियेंगे फिर निकलते हैं यहाँ से। सुकून। सामने कैमरा, ये कैमरा नहीं है, ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन लेवल रहता ना वो बता रहा है इधर पे, वो बता रहा है। हाँ हम दोनों को है ना सांस लेने की दिक्कत होती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन। हाँ अब आप जैसे आप जैसे अभी सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट के धुआं प्रदूषण में मिल जा रहा है, तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, आप बर्दाश्त नहीं करते। हाँ मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन मशीन लगा के घूम रहा हूँ। ठीक है ठीक है चलो, ठीक है शुक्रिया भाई। तो गाइस अभी हम लोग गोलकुंडा के अंदर आ गए। पहले क्या हुआ था, जब हम लोग इंटर हुए थे, जब वो अलाउ नहीं किया, दादा का जो
गोप्रो का जो ट्राईपॉड होता है वो अलाउ नहीं किए वो लोग, और हेलमेट का जो कैमरा है वो भी निकालने के लिए बोला उसने, तो वो सब निकाल के हम लोग अभी खाली गोप्रो छोटा सा लेके अभी आए अंदर। और मेरा हालत देखो, इधर एक हेलमेट और इधर एक हेलमेट और अंदर पानी का बॉटल है। दादा आज मान के रहेंगे मेरी छोटी हाइट करके रहेंगे या तो मेरे को पूरा थका देंगे। तो एक्चुअली भाई यहाँ पे एक जो दीवार है वहाँ पे कुछ अपन बोलेंगे तो यहाँ पे एक दीवार है वहाँ पे साउंड अपने को सुनाई देता है। तो हम लोग जब से वही कर रहे थे, पहले प्रतीक दादा ने बराबर बोला मेरे को सुनने आया, फिर उसके बाद अभी उसका बैटरी लो हो गया। तो अभी मैं बोला समझ नहीं आया, वो भाई बोले समझ में नहीं आया, अभी ये तीसरे भाई जा रहे अभी नहीं उसका बैटरी लो, अभी उसका बैटरी लो। हमको जाना उधर, हम कहाँ जाए। तो अभी देखो ये ऊपर जाने का है, दादा उठा लो ना मुझे तो उठा। मैं दो हेलमेट तो उठा रहा हूँ और किसको किसको उठाऊँ, थोड़ा सा ही, अरे ज़्यादा नहीं है, 380 सीढ़ी है ना, उठा लो ना। तो अभी 380-400 सीढ़ियाँ है, वो चढ़ना नहीं होता अभी, और खाना भी खाना है घर जाके। सो अभी थोड़ा सा ही ऊपर गए, वहाँ से थोड़ा व्यू वगैरह देखा, सो अभी निकलते हैं मेरे घर पे खाना खाने के लिए। मम्मी दो दिन से बोल रहे खाना खाने के लिए लेके आ दादा को, सो आज फाइनली जा रहे हैं घर पे खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद कहाँ जाना है। तो भाइयों खाना वाना खा के हो चुका है, दादा घर पे आए थे, बहुत ही अच्छा लगा घर पे आए, नहीं आ रहे थे बट खींच के आ रहा था ऐसा नहीं बट थोड़ा सा लेट हो रहा था, बाहर कहीं और जाना भी था, बट फिर भी आ गए। मैंने बोला चलो चलते, मम्मी भी बोल रहे थे, सो खाना वाना खा लिया अभी। दादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था, मज़ा आ गया, बहुत दिन के बाद घर का खाना खाया, नहीं तो बाहर का बिरयानी या फिर वेज वगैरह खा दिया पक गया। हाँ सो अभी खाना वाना खाए, अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी जाना है केबल ब्रिज, जो दुर्गम चेरू का केबल ब्रिज है वहाँ पे जाना है, तो अभी मिलते हैं आपको केबल ब्रिज पे। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ बोले तो हम लोग केबल ब्रिज के लिए निकले थे, बट जैसे मेहंदीपट्टनम वगैरह वो रोड पे गए, इतना ट्रैफिक मिला भाई, वो ट्रैफिक पागल हो गए, पागल मतलब इसको तो आ जाते यहाँ का ठीक है, पर मेरी हालत क्या बताऊँ क्या हो गई थी। मुंबई में भी ट्रैफिक होता है यार, पर ऐसा नहीं, मुंबई का ट्रैफिक इधर चलते नहीं था, ये ट्रैफिक रुक गया तो इसी कोई रुक गया, और बाइक वाले तो कैसा चला दे, नफिस कटा मारो उसको, नफिस कट बोलते हैं, नफिस कट वो क्या है। तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था ट्रैफिक में, और नींद भी आ रहा था, तो मैं बोला कि भैया भी बोले, मैं भी बोला कि अभी होटल चलते फिर सो जाते। सो मैं आज रात दादा के साथ यहीं पे स्टे करने वाला हूँ, क्योंकि कल मुझे शूट पे यही होटल से निकलना है, तो मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ दादा के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना, एंड दादा का यूट्यूब चैनल जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दादा को भी एक बार फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का पूरा सब दे दूंगा दादा का, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी और YouTube पे भी दादा को फॉलो कर लेंगे। बाय बाय। तो गाइस फाइनली दादा जा रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा सिटी के बाहर तक ड्रॉप करने आया था, निकलते हैं आप यहाँ से फिर।
हाँ यहाँ से अभी वो वहीं पे छोड़ना था, अभी ये आ गया ना, यहाँ से सीधा एक ही रोड रहेगा, किधर भी पलटने का नहीं है, सीधा सीधा एक ही रोड पुणे तलक। अब पुणे नहीं, सोलापुर पे राइट आएगा, वो एक देख के रखना, अगर वो नहीं देखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ रो मत, अरे रो नहीं रहा हुआ। हाँ ठीक है, तो गाइस फाइनली दादा जा रहे हैं हैदराबाद छोड़ के, तुसी ना जाओ, जाना तो पड़ेगा। हाँ भाई को सपोर्ट करना। अरे धन्यवाद धन्यवाद, तो अभी दादा जा रहे, थोड़ा छोड़ने आए थे, थोड़ा थोड़ा करते, इतना लंबा खींच ले के ला लिए नो। चलो मिलते हैं फिर जल्दी, चलो भाई हैप्पी जर्नी, टेक केयर, जाके फोन करना, चलो भाई, तो चलो दादा मिलता हूँ, बाय, चलो चलो राइट जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं दादा और अपन यहाँ से लेंगे यू टर्न। तो भाई एक्चुअली वीडियो कल ही क्लोज कर दिया था, बट अभी दादा जा रहे थे तो ये भी शूट कर लिया मैंने। तो भाइयों बस इतना ही, दादा जितने भी थे हैदराबाद में थे, जो भी मैंने अच्छा अच्छा शूट किया उनके साथ या मैंने, वो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।